हाय एवरीवन, वेलकम टू द पाइथन सीरीज। एंड इसमें हम सीखने वाले आज स्ट्रिंग्स। पाइथन में आप किस तरीके से स्ट्रिंग्स यूज कर सकते हैं एंड इसके ऊपर क्या क्या हमारे पास में मेथड्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, जिसके थ्रू हम अपने स्ट्रिंग्स को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं किसी भी सिनेरियोज में, या फिर कोई स्पेशल पर्पज हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए जल्दी से, हम मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल में एक स्ट्रिंग नोट किया है। एंड अगर आपने वेरिएबल्स नहीं पता आपको या आपको प्रिंट फंक्शन नहीं पता है, तो आप प्लीज पाइथन का इंट्रोडक्शन एंड पाइथन का वेरिएबल वाला फाइल जरूर देखिएगा, उससे आपको ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट। अगर मैं इसको अभी प्रिंट करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरा एक पूरा स्ट्रिंग प्रिंट हो गया है एंड मेरा क्लास टाइप जो है इस वेरिएबल की वो है क्लास स्ट्रिंग। अब अगर मुझे चाहिए कि मुझे इस स्ट्रिंग में खाली एक पर्टिकुलर वर्ड निकालना है, मुझे पूरा स्ट्रिंग नहीं चाहिए, तो हम उस केस में सब स्ट्रिंग यूज करते हैं। एंड पाइथन का सब स्ट्रिंग यूज करना बहुत सिंपल है। आप बस यहाँ पे सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है कि आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करेंगे एंड उसके बाद में आपको इंडेक्सिंग करनी है अपने स्ट्रिंग की, सेम जैसे आप एक एरे में करते हैं। अब आप अगर यहाँ पे इंडेक्सिंग देखें तो आपका एच रहेगा जीरो से, आपकी इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट होगी। एच जीरो पे रहेगा, ई वन पे, एल टू पे, दूसरा एल थ्री पे, लाइक दिस। आपको यहाँ पे लिखना है कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, कॉलन से सेपरेट करें और कहाँ तक जाना है वो। जैसे मुझे जाना है हेलो वर्ल्ड तक, हमारा डी 10 पे है। सेव करूंगा और जब मैं इसको प्ले करूंगा आप देखेंगे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड पर डी नहीं है इसमें, बिकॉज ये इसलिए है बिकॉज पाइथन में हमारा जो ये एंड लिमिट होता है ये हमेशा अपने कैरेक्टर्स -1 काउंट करता है। डेट मीन्स अगर मैं 0 to 10 बोल रहा हूँ तो ये 0 to 9 तक ही होगा, 10 वाला एक्सक्लूड मतलब माना नहीं जाता लिमिट में, इसलिए हमें डी तक मिला है। तो आपको जब भी अपना पूरा वर्ड वो चाहिए हो या पूरा पर्पस अपना सॉल्व करना हो तो आपको इसको +1 करके इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अब अगर आप इसको प्ले करके देखेंगे तो आपको मिला हेलो वर्ड। सिमिलरली अगर मुझे खाली वर्ड वाला वर्ड प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे लूंगा ग्रीट एंड मैं स्टार्ट करूंगा फ्रॉम 6 बिकॉज मेरा W6 से स्टार्ट है। बट मेरा जो डी है वो 10 पे तो खत्म होता है, पर 10 पे अगर मैंने उसको एंड कर दिया तो मुझे खाली एल तक मिलेगा, तो मैं यहाँ पे भी +1 करूंगा। अब अगर मैं इसको प्ले करूंगा तो देखिए आपको मुझे वर्ड भी मिल गया। इसी तरीके से अगर आपको अपने स्ट्रिंग को सारे के सारे अपने वर्ड्स को अपर केस में शिफ्ट करना है तो आप अपर फंक्शन इसके ऊपर कॉल करें, डॉट लगा के ऐसे लिखिए अपर, एंड आप देखेंगे आपका सारा का सारा सेंटेंस अपर में शिफ्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको अपना पूरा सेंटेंस लोअर में शिफ्ट करना है, आपके पास में एक फंक्शन होता है लोअर, इसको आप कॉल करिए तो आपका सारा सेंटेंस लोअर में शिफ्ट हो जाएगा। अब अगर आपको अपने सेंटेंस के हर एक वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा एक स्ट्रिंग का बिल्ट इन फंक्शन विच इज नोन एज टाइटल फंक्शन। व्हेन यू प्ले विद द बटन आप देखिए आपके हर एक सेंटेंस का, पूरे सेंटेंस में हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया। अब अगर आपको अपने सेंटेंसेस में, जैसे फॉर एग्जांपल आपको अपने सेंटेंस में कॉमा ज्वाइन करना, तो मैं करूंगा ज्वाइन फंक्शन का कॉल। ये कैसे होता है मैं आपको ये बता देता हूं एक बार पहले, ज्वाइन होता क्या है। आपको अगर अपने वर्ड्स में कुछ चीजें ज्वाइन करनी है, ओके, तो आपको क्या करेक्टर ज्वाइन करना है सेंटेंस में, आप वो यहां लिखेंगे, डॉट लगा के ज्वाइन ऑपरेटर कॉल करेंगे एंड उसके अंदर अपना पूरा स्ट्रिंग पास कर देंगे, लाइक दिस। अब अगर मैं अगर इसको प्ले करता हूं तो आप देखेंगे मेरा हर सेंटेंस में हर एक चीज के आगे कॉमा लग गया है। इस टाइप का अगर आपका कोई भी पैटर्न है तो आप ज्वाइन यूज कर सकते हैं। बाय द वे ज्वाइन के और भी ज्यादा यूजेस है, अगर आप इसको जानना चाहते हैं ज्वाइन के हमारे पास में और क्या यूजेस हो सकते हैं तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको ज्वाइन के ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो बता दूंगा। अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है तो प्लीज 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 आप जो है सब्सक्राइब करिए चैनल को, बिकॉज आई नीड सब्सक्राइबर्स। मेरे पास कंटेंट बहुत सारा है पर मेरे पास में अभी अवेयरनेस ज्यादा नहीं है, सो प्लीज सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट करिए। आप अच्छे से देख पाए, मैं आपको यहाँ पे और अच्छे से दिखा देता हूँ कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें नीचे रेड वाला बटन दबा के, थैंक यू। नाउ लेट्स स्टार्ट। अगर आपको अपने सेंटेंस में से कुछ रिप्लेस करना है तो मैं कैसे रिप्लेस कर सकता हूँ, लेकिन ग्रीट और इसके ऊपर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा रिप्लेस। कोई वर्ड आपको उसमें से रिप्लेस करके कुछ और डालना है, जैसे मुझे हेलो वर्ल्ड की जगह पे डालना है गुड मॉर्निंग, मैं यहाँ लिखूंगा ये वाला वर्ड किससे रिप्लेस कर दीजिए, गुड मॉर्निंग से।
एंड अब इसके बाद में अगर मैं अपना ग्रीट को प्रिंट करूँ वापस से, तो हम देखते हैं क्या होगा। तो आप देखिए, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द वर्ल्ड ये हुआ है, बट ये इफेक्ट, ये वाला लाइन आपका ये वाला प्रिंट हुआ है, बट हमने जब ग्रीट को देखा तो वो अभी भी हेलो वर्ल्ड है। दैट्स बिकॉज ये एक टेम्पररी चेंज है। अगर आपको इसको परमानेंट करना है, आपको एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा इसको। इस इतना डीप में जाने के लिए मैंने आपको अभी बोला है, अगर आपको कोई भी फंक्शन के बिल्कुल डीप में जाने, कमेंट सेक्शन में मुझे इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बन जाएगा। अब आता है हमारा कंकेटिनेशन। अगर हम एक दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ना है तो हम कैसे जोड़ सकते हैं? तो आप प्लस लगाइए एंड मेक श्योर कि आप जिसके साथ में उसको कंकेटिनेट मतलब जोड़ेंगे उस स्ट्रिंग को, वो भी अपने आप में एक स्ट्रिंग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं लिखूँ गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। एंड अब मैं अगर इसको प्ले करूंगा तो आप देखिए मेरे साथ में स्ट्रिंग जुड़ गई है। बट अगर मेरे पास में इसके साथ जोड़ने के लिए कुछ इंटीजर है, तो मुझे एरर मिलेगा कि कैन कंकेटिनेट ओनली स्ट्रिंग्स नॉट इंटीजर। बिकॉज अगर इसको आपको कंकेटिनेट करना है, तो आपको इसको str फंक्शन का यूज करके इसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपका ये जुड़ेगा। इसी तरीके से अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो बहुत सारे फंक्शंस हैं हमारे पास में स्ट्रिंग में जो जो हम यूज़ कर सकते हैं। आपको सारे कवर करवाने, इस वीडियो में थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो जाएगा, पर आप यहाँ से जाके प्लीज़, मैं ये लिंक आपको मेंशन कर दूंगा, प्लीज़ इसको यूज़ करिए फंक्शंस को। एंड अगर आपको कोई भी फंक्शन यूज़ करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं इस वीडियो के। इसी तरीके से आप और भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ढूंढना चाहूँ फाइंड, एक और बात बता देता हूँ आपको, फाइंड तो आप जैसे प्रिंट फंक्शन कॉल करेंगे एंड आपको ग्रीट में फाइंड करना है, सॉरी ग्रीट डॉट फाइंड, और आपको एक वर्ड ढूंढना है हेलो फॉर एग्जाम्पल, तो आपका जो ये वर्ड जोन से इंडेक्स स्टार्ट होएगा, आपको वो ये ढूंढ के देगा कि ये जीरो इंडेक्स है। और अगर मुझे लगना ढूंढना है सब्सक्राइब वर्ड, मैं प्ले करूंगा तो आप देखिए ये 41 इंडेक्स पे, तो ये आपको हमेशा एक इंडेक्स रिटर्न करेगा। अब अगर मैं आपको और कुछ बताना चाहूँ, एंड्स विद, जैसे एक और ले लेते हैं हम एंड्स विद, तो अगर मैं करूँ प्रिंट ग्रीट डॉट एंड्स विद सब्सक्राइब, तो ये ट्रू एंड फॉल्स देगा मुझको, फॉल्स। पर अगर मैं करूँ एंड्स विद दिस, क्योंकि यहाँ पे ये इसी से एंड हो रहा है, ये मैं इसको प्ले करूँ तो आप देखिए ट्रू, बिकॉज यस हमारा स्ट्रिंग इससे एंड हो रहा है। अब अगर मुझे किसी भी चीज़ का इंडेक्स निकालना है, ये लास्ट रहेगा वीडियो में फंक्शन, बाकी आप प्लीज ट्राई करिए, क्योंकि इनको यूज करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस हमें अपना पर्पस चाहिए होता है। और सारे फंक्शंस एक बार में किसी प्रोजेक्ट में यूज होते भी नहीं है, हमको सबका पर्पस चाहिए होता है। आप करें सब्सक्राइब, तो मुझे वापस से उसका इंडेक्स मिल गया। तो ये था एवरीथिंग अबाउट स्ट्रिंग्स इन पाइथन, हम किस तरीके से स्ट्रिंग्स यूज करते हैं और कैसे हम उसके ऊपर अपने फंक्शंस लगा सकते हैं। वैसे और भी सारी फंक्शंस हैं, पर हम इसको अपने ये कंडीशंस के हिसाब से, अपनी सिचुएशंस के हिसाब से हम इसको यूज कर लेते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कर दो, एंड इसे प्लीज अपने सभी स्टूडेंट्स या अपने सभी फ्रेंड्स फैमिली के साथ में शेयर करके उनको भी हेल्प करो नई नई टेक्नोलॉजी सीखने में। चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अच्छे से सीखिए, एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। टेक केयर एंड बाय बाय।